हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे पुष्पीपादों में लैंगिक प्रजनन, पराकड़ के उपयोग, लव विचार ध्यान। आज जो हम लोगों का चैप्टर है, जो पार्ट दो का चैप्टर है, उसका हेडिंग है आज हम लोगों का पराकड़ की संरचना तथा परिवर्धन। तो मैं चित्र पहले से ही बना लिया, क्योंकि चित्र बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं चित्र पहले से ही बना लिया। आइए अब चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। तो पहले ये जो हमारे पराकड़ का, जो हमारा पराकड़ होता है, नर युग्मक होता है। अधिकांश क्वेश्चन यह पूछता है कि नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका क्या होता है, तो हमारा लघु बीजाधान या पॉलेन ग्रेन पराकड़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आइए अब हम लोग चित्र की तरफ चलते हैं। इसमें ये जो हमारे पराकड़ का सबसे बाह्य आवरण है, इसे हम लोग एग्जाइन बोलते हैं। यह एग्जाइन जो होता है, यह जो बाह्य आवरण होता है, इसे हम लोग एग्जाइन बोलते हैं। यह एग्जाइन जो होता है स्पोरोजेनेसिस से बना होता है। स्पोरोजेनेसिस, यह जो पराकड़ का बाह्य आवरण होता है, यह स्पोरोजेनेसिस से बना होता है। यह स्पोरोजेनेसिस वह कार्बनिक पदार्थ है। स्पोरोजेनेसिस वह कार्बनिक पदार्थ है जो हमें आम्ल क्षार तथा उच्च ताप पर भी पराकड़ों की रक्षा करता है। आज तक खोजे गए कार्बनिक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है जो स्पोरोजेनेसिस का खंडन कर सके। इसीलिए ही तो पराकड़ों को कृत्रिम विधि में रखने के लिए लंबे समय तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाह्यकोष में स्पोरोजेनेसिस का आवरण पाया जाता है तथा यह अत्यधिक कठोर व खुरदुरा होता है फिर इसके बाद जो इसका दूसरा आवरण होता है बाइक आवरण होता है एग्जाइन, तथा दूसरा आवरण होता है इंटाइन। यह जो इंटाइन होता है एग्जाइन के आंतरिक भाग में पाया जाता है। यह जो इंटाइन होता है पराकड़ का जो दूसरा परत होता है उसका नाम है इंटाइन। इंटाइन जो होता है यह पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। यह बहुत ही नर्म होता है, वह बहुत ही कोमल होता है। जो हम लोगों का इंटाइन है यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। यह जो इंटाइन होता है यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। वह इसमें एक जन्म पोर होता है जिसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। और यह जो इंटाइन होता है यह इसका आंतरिक भाग होता है, तथा जब परागकण फूल जाता है तो यही आगे चलकर पराग नलिका पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो अब हम लोग ये जो इसका पराकड़ का जो केंद्रक है यह दो भागों में विभाजित हो गया। समसूत्री विभाजन के द्वारा यह दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा यह दो भागों में विभाजित हो गया। पहला जो जिसे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका हिंदी पराग केंद्र होता है। पहला भाग ट्यूब न्यूक्लियस जिसे पराग केंद्र कहते हैं, तथा दूसरा भाग अपने चारों तरफ कोशा द्रव्य को एकत्रित करके जेनरेटिव सेल जनन कोशिका का निर्माण कर दिया। जो पहला था वो कुछ नहीं किया, वो सिंपल ही वैसे पड़ा रहा था, इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोले पराकेंद्र। तथा दूसरा भाग अपने चारों तरफ कोशा द्रव्य को एकत्रित करके जेनरेटिव सेल का निर्माण कर दिया। फिर इसके बाद इस चित्र में जो है यह ट्यूब न्यूक्लियस वैसे ही है, यह जो जनरेटिव सेल है यह पराकड़ की दीवारों से चिपक गया। तथा इसमें म्यूटेशन की वजह से यह समसूत्री अर्धविभाजन करके दो मेल गैमेट का निर्माण कर दिया, जो मैंने अगले चित्र में दिखा दिया है। यहाँ पर यह जो था जेनेटिव सेल, यह समसूत्री विभाजन के दौरान दो मेल गैमेट का निर्माण कर दिया। फिर इसके पश्चात अब यह है जब परागकोष का स्फुटन होता है तो पराकण दो कोशिकीय स्तर में होता है। अब इसके पश्चात हम पराकण को परिपक्व वर्तिकाग्र के पास लेकर आते हैं। यह परिपक्व वर्तिकाग्र के समय इसमें से जो यह वर्तिकाग्र है यह परिपक्व हो जाता है, तो इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ
जब वर्तिकांग परिपक्व हो जाता है तो उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, शर्करा का श्रवण होने लगता है, जैसे शर्करा का श्रवण होने लगता है। गाइस, ये जो मेल गैमेट यहाँ पे आया है, जो यह परिपक्व वर्तिकाग्र है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है, यह परिपक्व होने के बाद यहाँ से कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा व जल का स्रोत होने लगता है। जब हमारा परागकण यहाँ पर आता है, तो जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो शर्करा और जल को अवशोषित कर लेता है, शर्करा और जल को अवशोषित करने के पश्चात यह फूल जाता है, तथा फूलने के पश्चात इसका जो जर्म पोर होता है उसके द्वारा यह आ गया यहाँ पे परागकण, यह फूल गया। तो जो यह हमारा परागकण का संरचना ऐसा है, तो यह जो परागकण जब फूल गया तो इसका जब परागकण यहाँ पर आया और कार्बनिक पदार्थ जल व शर्करा को अवशोषित करके यह फूल गया। फूलने के बाद यह जो इसका आंतरिक भाग एंटाइन था, यह पराग नलिका का निर्माण कर लिया। इसके पश्चात यहाँ पर यह जो था ट्यूब न्यूक्लियस, ये वह इसमें इस यहाँ का जो था जर्म, यहाँ का जो था जेनरेटिव सेल, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों जो है धीरे धीरे यहाँ पे आने लगते हैं। फिर इसके पश्चात जब यहाँ से वो ग्रहण किया, इसके पश्चात वह इसका जो पराग नलिका था यह बढ़ गया, तो इसमें ये सब प्रवेश कर लिए। फिर इसके पश्चात जब यहाँ पे प्रवेश कर लिए तो, और यह भी जो ट्यूब न्यूक्लियस था, ये सब प्रवेश कर लिए। इसमें प्रवेश करने के पश्चात जब ये यहाँ पर आ गए, तो जब ये वर्तिकाग्र जो था यह, तो इसको अवशोषित करके यह बढ़ गया। इसके पश्चात इसका धीरे धीरे यह जो गतिशील इसको बोलते हैं पराग नलिका, यह जो पराग नलिका है यह धीरे धीरे विकसित होकर के यह जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के द्वारा यह पोषण प्रदान करने लगता है। फिर धीरे धीरे यह विकसित होकर के धीरे धीरे आता है, इसके पश्चात यह अंडाशय तक पहुंच जाता है। अब इसके साथ साथ मेल गैमेट भी होते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच कर धीरे धीरे अंडाशय से बीजाण में, फिर बीजाण के अंदर चला जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। यह जो मेल गैमेट आया है, इसके पास जब यह इसको अवशोषित किए यहाँ से शर्करा व जल को, तो मेल गैमेट का जो इंटाइन भाग था वह फूल गया। जो जर्मपोर था, जर्मपोर के द्वारा जो इंटाइन भाग था, वह धीरे धीरे पराग नलिका का निर्माण करते करते धीरे धीरे वह वर्तिका से पोषण को प्रदान करते धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। फिर आगे बढ़ने के बाद वह अंडाशय के पास आकर के उसके बीजाण में चला जाता है। फिर वह बीजाण में जाने के बाद यहाँ पर वह मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, मेल गैमेट को छोड़ देता है। मेल गैमेट जब वहाँ पे जाते हैं तो वह निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तथा निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है, तथा बीज को जब उचित वातावरण में लाते हैं तो वह स्वयं एक नए पादप का निर्माण करता है। बीज में ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो जड़ को जल की तरह तथा पत्तियों को धूप की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पर यह निषेचन की क्रिया को पूर्ण हुआ। तो यह आज हम लोग परागकण की संरचना तथा परिवर्धन, यह परागकण की संरचना है और इसके कार्य, मतलब यह निषेचन कैसे करता है, हम लोगों ने यह पढ़ लिया। आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, तथा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर समझ में आया या नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।